सवाल है काजी अमानुल्लाह उसामा साहब का क्लिफ्टन कराची से। वो ये पूछते हैं कि सालगिरह की किस हद तक गुंजाइश है और ये जो एनिवर्सरी होती है शादी की सालगिरह होती है इसकी किस हद तक गुंजाइश है, घर के अंदर अगर मनाई जाए दिन खास ना किया जाए। बच्चों की सालगिरह हो या शादी की सालगिरह हो, असलन तो ये अहले मगरिब की बनाई हुई रस्में हैं और वहाँ से आई है, इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम उसके बाद के आइम्मा मुज्तहिदीन किसी ने कभी अपने बच्चों की सालगिरह नहीं बनाई ना शादी की सालगिरह बनाई है। और फिर ये कि आजकल हमारे माशरे में जिस तरह सालगिरह बनाई जाती है तो उसमें बहुत सारी खराबियां भी आ जाती हैं, मौसीकी होती है, गाना बाजा होता है, मर्द वज़न का मखलूत इज्तमा होता है और कई गुनाह हो जाते हैं, तो उसकी तो कतन कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर कोई अपने घर में अपने घर के अफराद के साथ मिलकर कोई छोटी मोटी तकरीब कर लेता है, अच्छा खाना पका लेता है, बच्चे को कोई तोहफा दे दिया जाता है और मकसद ये होता है कि बैठकर अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्र अदा किया जाए कि अल्लाह ने सेहत और आफियत के साथ ईमान के साथ एक साल मुकम्मल करवा दिया या शादी को इतना अरसा हो गया और अल्लाह ताला ने हमें इन खैरों की तौफीक अता फरमाई और सेहत और आफियत से रखा, तो इस पर शुक्र अदा करने के लिए इजहार तशक्कुर के लिए वो कोई ऐसी तकरीब कर लेते हैं तो उसकी गुंजाइश है, लेकिन इसी हद तक महदूद रखें तो।